मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 6 बजे हैं और मुझे मेरे पायलट का फ़ोन आया था कि आप जल्दी से रेडी हो जाएं। तो अभी तक सनराइज हुआ नहीं है, आप लोग देखिए उस तरफ से सनराइज होगा। तो हम लोग अभी फ्रेश होके निकलेंगे, 6:30 बजे यहाँ से निकलेंगे तो 7:15 बजे ऊपर पहुँचेंगे और सनराइज़ के टाइम पर हम फ्लाई करेंगे। तो टाइम हो चुका है 6:30 और तुम्हारा भाई एकदम नहा धो के फ्रेश होके निकल रहा है पैराग्लाइडिंग करने के लिए। तो अभी पैराग्लाइडिंग करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो सुबह ब्रेकफास्ट तो कर नहीं सकते, रियल जूस से काम चलाते हैं। तो सुबह का नज़ारा कुछ ऐसे है, हमारी प्रेफरेंस रहेगी कि हम सनराइज़ के टाइम पे फ्लाई करें। तो यहाँ मुझे बुलाया गया है, आई थिंक ये इनमें से कोई टैक्सी होगी हमारी, और ये हमारे होटल के ओनर जो हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, ये होटल है सूर्या क्लासिक, काफ़ी बढ़िया अकोमोडेशन है एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। अमन भाई गुड मॉर्निंग। गाइस अभी जस्ट मैं रेडी होके नीचे पहुंच चुका हूं और मुझे थोड़ी भूख लगी थी, थोड़ी एनर्जी चाहिए थी, तो मैंने रियल का एक जूस पकड़ा है, क्योंकि अभी 6:30 बजे ब्रेकफास्ट करने का तो कोई मतलब है नहीं। तो अभी मैं वेट कर रहा हूं प्रतिभा का, वो हॉस्टल में रुके हैं, तो बस जैसे ही वो आते हैं हम लोग यहाँ से डिपार्ट करेंगे। वंस अगेन वी आर ऑफ टू टेक ऑफ साइट, और यहाँ पे हमें फिर से मिल चुके हैं अमन भैया एंड राजकुमार जी। जैसा हमने सोचा था एकदम उसी टाइम पे हम लोग निकले हैं, आप देखते हैं सुबह तो विंड फ्लो अच्छा होगा ना। बहुत बढ़िया जी, आप मतलब कल वाला जो हम लोगों ने डिले कराया ना उसका हाँ वो बोर्ड था, हाँ आपको फायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो गाइस बस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक बार फिर से टेक ऑफ साइट पे, तो एकदम साफ मौसम है, अच्छा हुआ हम लोगों ने कल स्किप कर दिया था ये। तो अभी आप लोग देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है, यहाँ पे एकदम क्लियर मौसम है और एक भी ग्लाइडर यहाँ पे है नहीं, क्योंकि मुझे लगता सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के कोई आएगा पैराग्लाइडिंग करने, लेकिन हम लोग आए हैं। तो राजकुमार जी ने बता दिया कि हम वहाँ से टेक ऑफ करेंगे। तो गाइस इतना अभी इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, शाम को इतना ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे और अभी बिल्कुल साफ है। तो सुबह आने का एक ये फ़ायदा है कि यहाँ पे अभी बिल्कुल भी रश नहीं है और हम लोग ही फ्लाई करने वाले यहाँ से, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और मज़ा भी काफ़ी आएगा। तो यहाँ पे ये भाई साहब अपना ड्रोन उड़ाते हुए, सही है मतलब एकदम बढ़िया, इन लोगों ने रात को यहीं पे टेंट लगा के स्टे किया है और यहाँ पे भी अलग ही मज़ा आएगा स्टे करने का। गाइस हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं वहाँ से, तो यार कितना सही नज़ारा है, मतलब कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं यहाँ से, इतनी सुबह कोई भी नहीं आता यहाँ पे। तो एक बार फिर से तैयारी करते हुए आपको फिर से कैसा लग रहा है? नहीं अभी अच्छा है ना यार, अच्छा हुआ रात को हम लोगों ने स्किप कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई है नहीं, अभी देखो सिर्फ हम लोग ही हैं, शाम को कितना ज्यादा क्राउड था यहाँ पे। एक ही राइड में दो बार मौका मिल गया। चलो ये भी किस्मत की बात है। तो अभी बहुत ही बढ़िया, मतलब मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा कि शाम को हम लोगों ने स्किप किया ये, मुझे खुशी हो रही है कि अच्छा हम लोगों ने शाम को स्किप कर दिया, क्योंकि अभी जो नज़ारा है वो शाम वाले नज़ारे से बहुत ही बेहतर है, है ना। तो शाम को एक्चुअली वहाँ पे उनको देख के भी थोड़ा नेगेटिविटी आ रही थी, पर अब सही है। तो प्रतिभा भी रेडी हो चुकी है और मुझे अभी बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये टेक ऑफ करने वाले हैं यहाँ पे, इनका सेटअप एकदम से रेडी है। तो अभी अमन भाई इसको आर्नी से अटैच करेंगे एंड ये लोग टेक ऑफ करेंगे, उसके बाद मैं राजकुमार जी के साथ टेक ऑफ करूंगा। कुछ भी बोलो पर ये नज़ारा इतना अल्टीमेट है कि मतलब इस चीज़ को शायद वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, लेकिन इतना सही नज़ारा है ना ये, हमको ग्लाइडर पकड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। All set to go? Wonderful flight, wonderful flight.
यार ये टूट गई, यार ये टूट गई। ये तो टेक ऑफ करके तो भैया अब है बारी अपनी, तो अपन भी एकदम पूरा फुल पावर में जाएंगे, फ्लाई करेंगे। तरफ से पांव उठाने नहीं, बैठना नहीं, बस हाँ जी, हाँ चलते रहना बस। तो राइट पर तो ठीक, ऐसे ही राइट नहीं, ठीक है चलते रहना बस, बैठना नहीं। वही अब तो हार्ट बीट एकदम फुल पावर में दौड़ रही है, चेक कर लो एक बार। तो अभी मेरे को गोप्रो दे देंगे और बाकी की वीडियो में गोप्रो ले लाऊंगा। हाँ तो ये अपना आ गया है गोप्रो, इससे अपन वीडियो बनाएंगे। और भी हेलमेट लगा दिया गया है, तो अभी मैंने हेलमेट वगैरह पहन लिए हैं और आप लोगों को दिख रहा है पूरा सेटअप हो चुका है। तो राजकुमार जी राइडर बिछाते हुए, तो मैं भी धीरे धीरे उतर रहा हूँ, वहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊँगा वहाँ पे, फिर वहाँ पे हार्नेस अटैच करके हम यहाँ से रनअप लेंगे और वहाँ से उठ जाएंगे। सही है यार, मतलब एकदम, मतलब क्या बताऊँ यार, ये जो फीलिंग है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम। काफ़ी प्रॉपरली इसको बिछाया जाता है, कोशिश की जाती है कि इसकी ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये आपस में उलझे ना, अगर उलझेंगे तो ये प्रॉपरली खुलेगा नहीं और फ्लाइट ख़राब हो जाएगी। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। अपने ग्लाइडर का कलर है ब्लैक, अंदर से ये वाइट है लेकिन बाहर से ब्लैक है, और थोड़ी इसमें ऑरेंज कलर की लाइनिंग है ना, हाँ ब्लू कलर की लाइनिंग है इसमें। तो यहाँ पे नेटवर्क है नहीं, तो मैं अपने कज़न को बता देता कि इस वाले ग्लाइडर को कैप्चर करना। अच्छा मेरा टेक ऑफ बोलिए क्या, मैं तो सही है मतलब यार, ओह माय गुडनेस, दिस इज क्रेजी मैन, दिस इज हिलेरियस। यार हवा इतनी तेज है ना यहाँ पे, यार मैं बता नहीं सकता मैं क्या फील कर रहा हूँ। थैंक गॉड फॉर मेकिंग मी डू दिस, थैंक्स लाइफ। मैं बहुत ही अकेला खेलूंगा यार, ये तो कसम से ये मेरे टेक ऑफ अच्छा था ना, मतलब मुझे लगा था मैं फास्ट भाग पाऊंगा लेकिन फास्ट में भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि जो हाँ मतलब मुझे लग रहा था मैं कोशिश करूँ लेकिन मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब आपने बोला था जब तक पैर उठ उठने मतलब पैर उठ रहे थे फिर भी मैं भाग रहा था। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में व्लॉग बनाते हुए बहुत ही ऊंचे, और राजकुमार जी ने वो वीडियो देखी है जो वायरल हुई थी, सबने देखी है, बहुत मजा कर रहा है सब लोग। हाँ बहुत सही यार, मतलब सही है, और वो बंदा सही था यार, मतलब उस बंदे की फीलिंग ना मुझे आज समझ आ रही है कि वो क्यों बोल रहा था लैंड करा दे। ऊपर देखो और कैमरे की तरफ कंसंट्रेट करो आपकी ना, यो मैन पिक्चर्स बनती है। तो भैया मतलब ऐसा है ना, जब टेक ऑफ करते हैं तब थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा डर लगता है शुरू के 2-3 मिनट, मतलब मुझे बहुत ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, लेकिन अभी बढ़िया लग रहा है, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है। तो अगर आप लोग
मतलब आप लोग कुछ जिंदगी में एडवेंचर्स करना चाहते हो तो यार जिंदगी में ना एक बार पैराग्लाइडिंग जरूर करना, नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग है। लैंडिंग साइड नीचे दिख रही है, बहुत बढ़िया यार, मतलब एकदम मतलब वर्ल्ड की नेक्स्ट लेवल की मीनिंग है। इस चीज़ को ना मतलब ऐसे वीडियो से और बातों से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये चीज़ आपको फील करनी पड़ेगी अगर आप लोगों को इस चीज़ को महसूस करना चाहते हैं। हाँ मैंने तो मिली बहुत बार, तो अभी कुछ थोड़ा सा एडवेंचर्स करने वाले हैं, मतलब मैं तो डर रहा हूँ बट फिर भी चलो आए हैं तो करेंगे, अभी थोड़ा एडवेंचर्स काम करते हैं, यहाँ पर करना जाना। तो अभी भैया तो देखना थोड़ा स्किल्स ठीक है, ये फीलिंग ना नेक्स्ट लेवल है। इधर पकड़ी और हमने कितने कितने राउंड मारे हैं जो पसंद से मुझे लग रहा है ये वीडियो ना मतलब नेक्स्ट लेवल वाला बना रहे, जो हमने जो ये डांस किया है ना बहुत सही सीन बना होगा। तो अभी लैंडिंग होने वाली है और वहाँ पे नीचे खेत दिख रहे हैं, खड़े कैसे ये ऐसे ऐसे घरों को पास बहुत सही है, मेरी लाइफ की अभी तक की सबसे बेस्ट फीलिंग है, सबसे बेस्ट। तो देखो कितना सही नज़ारा है और अभी कुछ ही सेकंड में हम लैंड करने वाले हैं, भैया तो वही बात आई है भैया लैंड करा दे। यार दिस इज क्रेजी मैन, दिस इज क्रेजी। जो जब ऐसे जब एक टर्न खत्म होता है उसमें जो एकदम फ्री फॉल वाली फीलिंग है ना वो नेक्स्ट लेवल है। पाओ आगे एकदम परफेक्ट लैंडिंग, तो बहुत ही सही रहा, मतलब आप लोगों ने देखा है मैं फर्स्ट राइड में प्रो बन गया हूँ। हम लोग सेफली लैंड कर चुके हैं और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरे राजकुमार जी के साथ, तो मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, तो अगर आपने कभी पैराग्लाइडिंग करनी हो तो मैं रेकमेंड करता हूँ आप इनके थ्रू ही करिए, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस 21 साल का एक्सपीरियंस इनको। तो बस अभी मेरे ये बैग वगैरह निकाल रहे हैं, मैं क्या बताऊँ यार ये जो चीज़ ये जो फीलिंग है ना ये इस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन कर नहीं सकते हम। हम राजकुमार जी को अलविदा बोल रहे हैं, ठीक है भैया, तो बहुत अच्छा लगा इनके साथ ही, बहुत मज़ा आया मुझे 21 साल का एक्सपीरियंस के बावजूद, मुझे एक बहुत बड़ा जो है वो आज का जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। हाँ मतलब ये बोल रहे हैं कि मैं काफ़ी अच्छा मतलब कोऑपरेट किया मैंने, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि यार मुझे मतलब फर्स्ट मेरी फर्स्ट फ्लाइट में इतना अच्छा मुझे फीडबैक है, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। नहीं मतलब जैसे लगता है ना कि देखने में कि ये थोड़ा आसान होगा बट उतना आसान है नहीं, नहीं वहाँ पे तो आंखें बंद करनी पड़ रही है ना। तुमने भी की थी ना, अब देखो यार वो देखो जैसे ना ऐसे ये जो ऊपर ये घुमा रहे हैं ना ये मतलब यहाँ यहाँ तो यही तो सारी गेम खराब है।